Okay, welcome everyone. We are again online live with our NHK Cup ninth match, if I'm not wrong today, and it's the quarterfinals last match. It's going to be between Airavata Esports and Fortune Esports, and the both the teams are ready. Toss has been done. Apart from that, there are a few updates I want to share with you guys. As you can see on the screen, there are two special prizes announced from Arjuna, I mean, you know him, Harsh Dalal, aka Arjuna. His YouTube stream is called I Am Arjuna YT, and the link is in the description of the video. And I mean, I also mentioned those two prizes. First is MVP of the grand finale, which will be cash prize of 1100 rupees, and 500 rupees cash prize for the first ace in the semi-finals. So these are the two prizes sponsored by Arjuna. And today also we have the trophy, which is going to be for the winner of the NHK Cup in the finals. So yeah, it's going to be there for all the matches in front of us. Cool. With those updates, let's directly jump to the game, and I hand it Yes, over Venom to hasn't joined Amrita yet. Sarkar and Venom. Join the lobby. Who is pending to join? Venom. Venom. तो हमारा नाइन्थ मैच है एनएचके कप का. सो नाइन्थ मैच होने वाला है हेवन, और एरावत विल बी डिफेंडिंग एंड एफी विल बी अटैकिंग. और देखते हैं कि क्या होने वाला है. वेनम, आपके कुछ विचार? गेम प्ले हम पिछले वाले मैच में देख चुके हैं. बहुत ही अच्छा कमबैक कराते हैं इन लोगों ने अगेंस्ट जायंट्स, एलिजेंस जो भी था. बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था इन लोगों ने कमबैक का. हर बार टाइम आउट ले लेके इस बार भी चाहेंगे टाइम आउट लेके इन गेम चेंज वॉइस कंपनी कर सकते हैं. ओह शिट. Not to worry, I muted so it's not going on the stream, but those players are hearing you. Okay, I'm starting the match. सब लोग रेडी हो चुके हैं. लेट्स सी कौन क्या सिलेक्ट करने वाला है. ब्रीच रहेगा दोनों साइड, मेरे को लग रहा है ऐसा प्रेडिक्शन है. एक रेना भी रह सकती है. अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, आई आल्सो वांट टू आस्क यू गाइस, हुज व्यू आई शुड फॉलो, अमरता सरकार और वेनम? हु इज गुड एट इट? वेनम. वेनम, ओके. सो वेनम, आई विल फॉलो योर व्यू, एंड अमरता यू शुड फॉलो हिम सो दैट यू बोथ आर सीइंग द सेम थिंग. ओके, गो अहेड. हाँ, ऑन योर कास्टिंग. सेम टीम देखी जा रही है. एग्जैक्ट मिरर ऑफ द अटैकर्स लिए है एरावता ने. Is it? Are they by any chance जैसा कि watching जैसा that? कि मैंने कहा था कि दोनों साइड ब्रीच होने वाली है, और रेना मिसिंग है, रेना नहीं लेने वाले है. टीम कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम. देखते हैं कौन सा डिफ हम लोग को देखने को मिलेगा, कौन सी टीम ऊपर के आएगी और कौन सी टीम थोड़ा सा आज डर जाएगी. कोइंसिडेंस नहीं कह सकते इसको कि पांचों प्लेयर्स सेम है वीसीटी का स्ट्रेट फॉलो करते हुए. हेवन पे एग्जैक्टली ये अभी का मेटा है ऐसा ही. मतलब हेवन में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टीम यही सेम खेलती है, तो इसी के साथ फायदे है इस टीम की. कोई भी साइड पे आराम से पुश कर पाएंगे. बड़े सी साइड पे सोवा का रिवील सी साइड का एंट्री दे देगा. ब्रीच
ए साइड में एंट्री के लिए हेल्प हो जाएगा, बी पे भी जा पाएंगे, एस्ट्रा है, कभी भी स्मोक्स आगे पीछे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सी के साइड, ओ माय गॉड, दो पिक निकाल चुके हैं राजा टू कूल, और उनको पता चल चुका है दो लोकेशन, और इसी के साथ शॉक गार्ड आ रहे हैं डैमेज पड़ता हुआ, सोवा को घेर लिया है। बहुत ही जल्दी राउंड खत्म होते हुए, बहुत ही अंधा क्या पूछता भाई वेनम, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। हैदराबाद का पिछला गेम प्ले भी हमने देखा था लोटस पे, वो लोग बेसिकली डिफेंस पे पुश करते हैं, अटैक पे बहुत ही स्लो खेलते हैं। डिटो सेम गेम प्ले अभी देखते हुए डिफेंस पे पुश ही करे जा रहे हैं, फिर से सी पुश आते हुए, फुल बाय नहीं रहेगा इनका मैच, इस रीजन से पॉज्ड है, कोई टेक्निकल फेलियर हुआ होगा। ओके तभी तभी डिफेंडर्स अपने जगह, अटैकर्स अपने जगह से हिल ही नहीं रहे। अटैकर्स में सोवा का पिंग बहुत हाई है, ये हट जाएगा ना, सोवा का पिंग मुझे 80 दिखा रहा है, हट जाना चाहिए अब, या 80 दिखा रहा है, बहुत हाई है, इट्स नॉट बहुत हाई, अब स्टक वो स्टिक हो गया, आई थिंक वो आई थिंक डीसी है, वो 80 पे स्टक, हां डीसी है क्या, सोवा डीसी। क्या रैंक पे खुला है तुम लोगों का अभी नए अपडेट के बाद? वैसे रैंक की बात बोली जाए तो रैंक किसी का तो कम हुआ है, मतलब उठ नहीं रहा है, मेरे को दिख रहा है ऐसा हो रहा है, मुझे सिल्वर टो खुला है, हाँ तुम्हारा तो मतलब ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, डबल रैंक अप हो गया, गोल्ड वन हो गया, वापस हो जाएगा पीसी बिल्ड होने के बाद, हो जाएगा, कमबैक आ रहा है, लेट्स सी सोवा का नेट कब ठीक होता है और कब वो रेडी होते हैं पुश करने के लिए। मेरा कैम ऑन था व्हाट, Yes, Neha was disappointed seeing you. He came back. Hello. No. मेरा डिस्कॉर्ड बग हो गया था, सॉरी। ओके ही हैज रिकनेक्टेड, और स्प्लिट खेला जा रहा है अभी, एग्रेस नहीं कर रहे हैं अटैकर्स, मिड के साइड ज्यादा प्रेजेंस है, क्या ये साइड छोड़ने का निर्णय जो लिया है सोवा ने, क्या पछताएंगे वहां पे? एक्चुअली छोड़ा नहीं है वो, वहां पे रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं शायद, और अटैकर साइड से बहुत अच्छा पीक मिलते हुए, देखना चाहेंगे फॉर्च्यून क्या चल रहा है आज।
जैक मा वेट करते हुए गैराज के बाहर. There is no sound on stream check-ins. और एक और पीक मिलते हुए सी की तरफ एग्रेशन जा रहा है, लेकिन हमारा केजे का बहुत अच्छा लोकेशन है. क्या वो इसको डिफेंड कर पाएंगे? और इसी के साथ शॉटगन मिलते हुए और ए से भी पुश आते हुए पूरी तरह से घेर लिया. सोवा इज लो, ए पे प्लांट हो रहा है एंड स्पॉन पे एक बंदा पहुंच चुका है जिसके पास क्लासिक था. फिलहाल कुछ ज्यादा डैमेज दे नहीं पाएंगे और सोवा एक बहुत लो है. तो लेट्स सी. और बैकस्टेप भी आ रहा है. ओह माय गॉड, शॉटगन निकाल दिया भाई, शॉटगन से निकाल दिया. बहुत ही उमदा गेम प्ले अटैकर साइड से देखने को मिला है हम लोग को. 950 एक गलती जो तुमने बोला था सोवा ने किया था, ए साइड पूरा छोड़ दिया था, जिसके वजह से ए साइड से केजे रोटेट करके आके बी पे मार के गए. ये चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा डिफेंडर्स को, क्योंकि वो उनको होल्ड करना पड़ेगा, उनका डिफेंस है. केजे अपना मस्त पीक लेते हुए सी साइड पे, लेकिन एग्रेशन नहीं आ रहा है, बहुत स्लो खेलने की वजह से प्रेजेंस दिखाया जा रहा है सी पे, लेकिन शायद रोटेशन ए से रोटेशन आ चुका है अटैकर्स का. और इसी के साथ दूसरा पिक मिलते हुए और इसी के साथ 2v4 का सिचुएशन. गैराज पे एक बंदा स्पॉट हो चुका है, लास्ट बंदा बचा हुआ. इसी के साथ 1v3 हो रीलिंग एरिया. सोवा को एक गन मिल जाएगा, लेकिन सोवा के लिए वेट कर रहे हैं लॉन्ग पे. उनको साउंड आ चुका है सोवा. Spike planted. Okay, nice. और इसी के साथ सेव करने का डिसीजन लिया जा रहा है. बहुत ही अच्छा डिसीजन है, सेव करना चाहिए. 1v2 का सिचुएशन. क्या अटैकर्स इसको ढूंढ के मारेंगे या मैं तो ट्राई कर लेता वैसे. हाँ, 1v2 है, कर सकते हैं. साउंड आ गया है. गन्स नहीं रिस्क कर सकते इस मोमेंट पे. ऑप निकाल लिया है एरावत ने. एट शॉट से किया जाएगा ऑप. लेट्स सी रिवीलिंग एरिया. एक पुश देखने को मिलेगा शायद माय ऑल्ट इज रेडी बराज के साइड से, बट नहीं है. जेट को पीक मिल बदल दिया गया. एक चीज देखो, जेट शॉट से पीक कर रहा है और इसी के साथ एक पीक मिलते हुए जेट को. बहुत ही अच्छा ओपी एंगल, फिर लॉन्ग से भी पीक करते हुए. एफी वेट कर रही है डिफेंस का पुश आने, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही वेट कर रहे हैं. स्टैट्स कोशिश बी पे पुश करना बहुत ही गंदा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि दो तरफ दो बंदे हैं और रोटेट करते हुए गैराज पुश. गैराज पे एक क्लोज बंदा बैठा हुआ है, इसको टैग किया गया और उसको मारने की कोशिश की जाएगी. अच्छा हेडशॉट लगा है. 4v3 4v2 इसी के साथ एक और डिफेंडर साइड राउंड जाते हुए, लेकिन क्या वो रोटेट कर रहे हैं, क्या वो ए जा रहे हैं? नहीं,
जा रही है, बहुत अंदर अंदर घुस चुके हैं. Oh my god. 10 seconds left. 1v2 से क्या निकाल पाएंगे सोबा? Revealing area. Found them. 6 bullets. टाइम नहीं रहेगा. Oh my god. Oh! What was that headshot? Game to बिना मैं कहूंगा कि तुम इससे प्राइवेट ट्यूशन ले लो. पीसी बिल्ड हो रहा है उसके बाद. उसके बाद वेद अब जाएंगे रेडिएंट. लेट्स सी. अंकित पंत जैसा वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे. बहुत ही क्लोज पीक लेते हुए स्पाइक डाउन सी और 3v3 4v3 सॉरी. आई हैव द स्पाइक. डिफेंस साइड पे थोड़ा सा डिफरेंस है. ओह और इसको बहुत ही प्यारा पीक मिलता है. अभी भी अटैकर साइड पे लेकिन अगर एक अल्ट आएगा बहुत ज्यादा डैमेज करेगा. लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग स्पाइक डाउन सी. लास्ट लॉन्ग पे बंदा है. स्पाइक भी उसके पास नहीं है. इसी के साथ एक और राउंड जाते हुए एरावत ईस्टवुड के नाम. ऑप का बाई नहीं आ रहा. ओ ऑप का बाई आ चुका है. फिर से राजा टू कूल ऑफ करते हुए शॉट पे दिखे कि क्या ये डिसीजन सही होगा या शॉट पे फिर से ऑफ लगाना सही होगा. इकोनॉमी नहीं है अटैकर्स के पास. ऑफ का कोई तोड़ तो निकलना चाहिए नहीं अंटिल और अनलेस डीगल का टैप लग जाए. किस्मत भरोसे. एक चीज नोटिस किया नहीं तुमने कि उनके पास जेट का अल्टीमेट है जो कि खुल चुका है यार. और ब्रिज का अल्ट भी है जो कि करके वो घुस सकते हैं. बहुत ही अच्छा पीक मिलते हुए लेकिन रिवेंज ले लिया गया है. 3v4 का सिचुएशन. गैराज पे एक बंदा अभी भी होल्ड करते हुए छोड़ते हुए बहुत एक लॉन्ग से आ रहा है बंदे. उसका डिसीजन बहुत अच्छा था. अच्छा का लॉन्ग से रोटेट करने का डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि उसका एचपी ज्यादा नहीं था. उसको डायरेक्ट फाइट लेने से उसका डिसएडवांटेज होगा. इसके वजह से उसने लॉन्ग से आके पीक लिया. बहुत ही प्यारा डिसीजन दिखते हुए और इसी के साथ डिफेंडर साइड एक और राउंड निकलते हुए. दोनों साइड ब्रिज का अल्ट है. क्या वो यूज करेंगे या फिर क्या देखने को मिलेगा? केजे का भी अल्ट है. सोवा का सिर्फ एक एडवांटेज है अटैकर साइड पे. बाकी तीनों का सेम अल्ट है. सी पे स्टैक होते हुए अटैकिंग. यू आर डिवाइडेड. दो तीन अल्टीमेट है साइड में घुसाने के लिए. बहुत ही प्यारा अल्टीमेट आते हुए एंट्री मिल चुकी है. उनको साउंड भी नहीं आएगा और एक बंदा अल्टीमेट का पूरा उपयोग करते हुए टीम अटैकर्स टीम डिफेंडर्स. एक बैकस्टैप तीन ऑन साइड दो बैकस्टैप. ऑफ योर फीट. वन एनिमी रिमेनिंग. ओह
अच्छा शॉट, बहुत बहुत ही अच्छा दो हेडशॉट, लेकिन राउंड नहीं निकला। बहुत ही अच्छा कमबैक आया, बहुत ही अच्छा रीटेक आया डिफेंडर साइड से। पीछे दो लोग, उनको पता चल गया था कि पूरा स्टैक हो रखा है, सब सी साइड पुश के लिए स्टैक हो रखा है, तो वो लोग इंस्टेंटली रोटेट करते हुए बैक स्टैप करते हुए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा डिसीजन। देखना चाहेंगे, नहीं चल रहा है, थोड़ा सा फीका पड़ता है, बट नो वन नोस क्या होने वाला है जब तक गेम खत्म नहीं होता। और एक और ऑफ लग चुका है शॉट की तरफ। ओके, जेट डीफ देखने को मिला हम लोग को, ऑपरेटर वर्सेस वैंडल, वैंडल जीतती हुई, बट क्या वो एग्रेस करेंगे। और डिफेंडर साइड से भी एक रिवेंज आता हुआ। ओके, दो हेडशॉट स्पाइक डाउन ए बैक टू बैक मिलते हुए, बहुत ही प्यारा। कोलाइड में आते हुए थोड़ा सा फॉर्चून, स्पोर्ट्स का फॉर्चून कम होते हुए को दिख रहा है। एंड लास्ट दो प्लेयर बचे हुए, आई गेस सेव करने का डिसीजन होगा क्योंकि सही डिसीजन है, बट नहीं, वो ए लॉन्ग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोवा जंप करते हुए सोवा विद द फोर किल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा गेम प्ले सोवा की तरफ से। सोवा का लक भी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि उसने जब शॉट में पिक किया तब दो बंदे कोलाइड पे आ गए, जिसके वजह से दो हेडशॉट बैक टू बैक देखने को मिला। और वेनम क्या लग रहा है, क्या कमबैक आएगा? फॉर्च्यून स्पोर्ट्स की तरफ से कमबैक आ सकता है वैसे, पर अटैकिंग मेन मैप है ये, ज्यादा राउंड नहीं बचे इन पे, और मतलब भी चल रही है नॉर्थ की तरफ पुशाते हुए। लेट्स सी, उनके पास डीगल है, डीगल पाई है सब पे, तो कुछ ज्यादा देखने को शायद नहीं मिलेगा। एक पिक आ चुका है, हेड शॉट पे पिक करते हुए शॉक डार्ट से डिनाई कर दिया जाएगा, और एक ही एक बहुत प्यारा सा उस शॉट ही पड़ते हुए जेट की तरफ से, जेट ऑफ लेके पुश करते हुए, बहुत ही प्यारा, अच्छे से फ्लैश डॉट कर लिया था उसने, पर बहुत बहुत मस्त। फॉर्च्यून ईस्पोर्ट्स को स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टीम कोऑर्डिनेशन कम लग रहा है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। और केजे का बहुत ही प्यारा सेटअप आ रहा है सी पे होते हुए, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि अब सी पे ही वो पुश कर सकते हैं। देखने को क्या देखने को मिलेगा कि सोवा का अल्ट आएगा कि नहीं, दोनों सोवा के पास अल्ट है, बहुत ही मजबूत पीक आते हुए। ब्लॉकिंग विजन, वन एनिमी रिमेनिंग, केजे की तरफ से चार किल, वन बी थ्री का सिचुएशन, और एक और राउंड, क्या 9-3 होगा? टाइम आउट की बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरत है टाइम। और फॉर्च्यून स्पोर्ट्स टाइम आउट देते हुए
तब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या चीज तुमको लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा फीका चल रहा है फॉर्चुनेट को, क्या लगता है वेनम? फीका चल रहा है पर मेरे को लगता है कि डिफेंडर साइड के जो फ्रैगर्स है उन लोगों पे कॉन्फिडेंस अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। अब जहाँ भी पीक करेंगे वहां भी उनको बहुत एक्सट्रीमली अच्छा पीक करना पड़ेगा अगर उसको निकालना है तो, क्योंकि जिस टीम का कॉन्फिडेंस अच्छा चल रहा होता है उनका पीकिंग एंगल्स बेटर हो जाते रहते हैं, लाइक कॉन्फिडेंटली टैप कर देंगे वो, तो अभी मुश्किल होगा इनको वापस कम बैक करने में, क्या पता टाइम आउट काम कर जाए। एक चीज जो मैंने देखा कि जेट को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो शॉट ही लेके पुश करने को रेडी है। एक मैंने देखा कि शॉट पे एक पीक मिला, एक लॉन्ग पे पीक मिला, एक शॉट पे पीक मिला, फिर वो शॉट ही लेके पुश कर गए और दो बंदे को मार दिए लॉन्ग पे। ओडिन निकाल लिया है। Okay. Days आते हुए, लेकिन पुश नहीं करेंगे। बी के साइड पे पुश आते हुए तीन बंदे होल्ड कर रहे बी साइड। डैमेज बहुत देते हुए सोवा, क्या सोवा ड्रोन करके होल्ड करेंगे? वो क्लोज एंगल चेक करें? नहीं, क्लोज एंगल नहीं चेक किया गया है और उनको पता ही नहीं कि अभी क्लोज में एक बंदा है। One enemy remaining. लेकिन फायदा नहीं होगा, बहुत ही प्यारा रीटेक, रीटेक तो नहीं, डिफेंस होते हुए। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया डिफेंडर, लेकिन अल्टीमेट नहीं देखने को मिला है। सोवा का अल्टीमेट दोनों साइड से नहीं मिला है, देखो शायद दोनों ने किलजॉय के अल्टीमेट तोड़ने के लिए रखे होंगे, किलजॉय ने अल्टीमेट नहीं करती है। और जैसा कि मैंने कहा था, सोवा का अल्ट आते हुए दो बंदे, तीन बंदे ले, दो बंदे लेते हुए। ओ माय गॉड, ये राउंड तो शुरू होते ही खत्म। तीन बंदे को पता नहीं है, वो बंदा फिर भी हेडशॉट मार के खत्म करते हुए, कुछ नारुतो टाइप का गेम प्ले दिखा, एनीमे चल रहा था। जेट का डैश बहुत ही प्यारा था, पीछे जाके डैश किया, माय गॉड। का मौका है अभी तक 93 कर्स, क्या ये 93 कर्स रियल होने वाला है कि नहीं? ऑब्वियसली हम लोग देखना चाहेंगे जीरोन भैया 93 कर्स देखेगा। देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बिट है ना। अटैकर साइड भी, डिफेंडर साइड भी अभी सेम स्टैट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सी पे एंट्री मिल चुकी है, उनको साउंड आ चुका है, सी पे एंट्री आ चुकी है, लेकिन रीटेक, रीटेक पे खेलेंगे पूरा। एक एक लर्क दिख रहा है हम लोगों को बी साइड पे, गैराज के बाहर है दोनों, तीनों गैराज के साइड पे है। बहुत ही अच्छा डीटेक, क्या फॉर्चून ईस्पोर्ट्स का फॉर्चून वापस आ रहा है, क्या लगता है वेनम? एक्टिवेटेड हाँ,
कर्स एक्टिवेट तो हो चुका है, देखते हैं कहां तक जाती है। अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर अगर डिफेंडर साइड पे स्पैम करके निकाल सकते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट करेगा राइट देयर। और शायद मेरे को लग रहा है कि एक एक बहुत ही प्यारा नहीं ब्रिज घूम चुके हैं। ब्रिज ने जो जो एंगल लिया था ना स्पैम करने के लिए बहुत ही प्यारा एंगल था, बहुत ही प्यारा एंगल। पुश बहुत ज्यादा पुश आते हुए गैराज की साइड, लेकिन बैक ऑफ करेंगे, बी पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, फेक फेक चल रहा है, सिर्फ फेक चल रहा है। ए पे एक ही बंदा है, सारे ए जा रहे हैं और शायद हमारे कंट्रोलर को साउंड आ चुका है, वो भी जा रहे हैं। एंड इसी के साथ दो पिक मिलते हुए, एक तीसरा पिक मिलते हुए, चौथा पिक मिलते हुए लास्ट बंदा शॉट के साइड पे स्पॉट नहीं हुए है। क्या पता स्पॉट और हेडशॉट मिस करते हुए, लेकिन ये हेडशॉट बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसी के साथ एक और राउंड फॉर्चून स्पोर्ट्स की तरफ। They think they're so secure. Zerol bhaiya, aap kuch kehna chahenge? I am waiting for a comeback. Guys, ek bar chat pe koi spam kar do ki comeback is real. Turret out. शॉट पे अग्रेस करते हुए लॉन्ग पे दो बंदे स्पीक ले रहे हैं। जेट का बहुत ही अच्छा पीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओ माय गॉड, अच्छा ही नहीं चला रहे हैं। और सी साइड कंट्रोल आ चुका है, सी साइड स्पॉन पे चला गया केजे, लेकिन बी वाले केजे को नहीं पता कि वो स्पॉन पे एंटर कर चुके हैं। केजे वर्सेस जेट देखते हैं, और इसी के साथ केजे को एक पिक मिलता हुआ, लेकिन केजे वर्सेस केजे होने वाला है। लेट्स सी, ओ माय गॉड, केजे डिप तो है। फॉर्चून स्पोर्ट्स एक और राउंड, क्या मिलेगा या फिर कमबैक रियल नहीं होगा। इसी के साथ 1v2 का सिचुएशन, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा क्लोज था ये साउंड। लेकिन एक चीज मेरे को देखने को मिला है कि ये लोग पूरा साइड छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब गलत डिसीजन है। अगर केजे रहता है गराज पे तो फिर सी साइड कंट्रोल और गराज कंट्रोल केजे ले सकता है, लेकिन वो बी पे खेल रहे हैं तो फिर सी साइड छोड़ने का कुछ डिसीजन बहुत ही गलत लेते हुए फॉर्चून स्पोर्ट्स के तरफ से। और एक पुश आते हुए सी की तरफ फिर से, क्या ये फेक करेंगे या फिर डायरेक्ट पुश करेंगे? बिल आ चुका है, मोक आ चुका है, साइड पे कोई नहीं है। मोक स्पैम पे एक बंदा एलिमिनेट होते हुए, इसका पोजीशन बहुत ही केजे बैक स्टेप आ रहा है। ऑब्स्क्यूरिंग विजन, इनको इंफॉर्मेशन नहीं है। वन एनिमी रिमेनिंग, दिस इंटरप्शन ब्लाइंडिंग आउट रेडी। और इसी के साथ एक और राउंड मिलते हुए एफी की तरफ से फॉर्चून स्पोर्ट्स, बहुत ही अच्छा रिटेक। उन लोगों ने एक चीज देखा तुमने,
वेनम उन लोगों ने पूरा साइड छोड़ दिया था। उन लोगों ने बोला तुम आओ हम लोग रीटेक करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है अभी सारे अभी जो राउंड्स हो रहे हैं मजा आ रहा है। बहुत ही प्यारा दोनों तरफ दोनों टीम की तरफ से बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस आते हुए। I need a star. Blocking vision. आते हुए हैरावत की तरफ से बी साइड एंटर करते हुए एंड एक और राउंड हैरावत की तरफ। कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इको राउंड था उनको कुछ करना ही पड़ता कहीं तो फिर नहीं इको एडवांटेज राउंड लेट्स सी बाय राउंड में क्या होता है। और एक चीज देखो ब्रीच के हाथ में क्या है ब्रीच ने पकड़ लिया बड़ी बात बड़ी बात पकड़ लिया है ब्रीच ने। और इसी के साथ क्या केजीएम वाला सीन मिलेगा देखते हैं। शॉट की तरफ पुश आते हुए तीन बंदे आ चुके हैं शॉट दो अल्टीमेट यूज कर लिए स्पैम पे और साइड कंट्रोल आ चुका है सब लॉन्ग पे बैठे हैं। शॉर्ट की तरफ कोई नहीं दिख रहा हाँ अभी शॉर्ट की तरफ दो बंदे जा रहे हैं। यू आर डिवाइडेड एक अल्टीमेट आते हुए Here. दो बंदे 2v4 का सिचुएशन 3v3 का सिचुएशन 4v3 क्या बोलते बोलते बंदे खत्म हो रहे Nowhere to run. Last player standing. अब तो पॉसिबल नहीं है एक और राउंड जाते हुए अटैक कर साइड पे दो राउंड की आवश्यकता एरा बता अगावत को दो राउंड चाहिए और फॉर्चून को 6 राउंड लेट्स सी किन को पहले मिलता है। मैडम अब आप कुछ बोलिए आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कुछ कैसे क्या स्ट्रेटेजी लगाना चाहिए इन लोग स्ट्रेटेजी कुछ नहीं अभी मैच ऐसे कगार पे आ चुकी है दोनों टीम इक्वली खेली जा रही है पर बस बस जिसका लक जब चल रहा है जब पिक मिल जा रही है तब मैच का रुख बदल जा रहा है। मार्शल का हेडशॉट मिलता है और एंट्री मिल चुका है गैराज पे दो बंदे होल्ड कर रहे हैं बहुत ही प्यारा होल्ड है स्कैनिंग है स्पैम आते हुए फिर भी डिफेंडर साइड एडवांटेज है क्योंकि सोवा भी बहुत लो है 32-34 HP का एंड बी के बाहर कंट्रोलर होल्ड कर रहे हैं स्पाइक ए पे जा रहा है ब्रिज को साउंड आ चुका है ब्रिज ने ए छोड़ दिया है बट वो रिटेक करने की कोशिश करेंगे क्या वो पीक करेंगे स्मोक आ चुका है बी के बाहर एक बंदा अभी भी वेट कर रहा है एक जेट जो है हमारा गैराज से पुश कर रहा है उसको साउंड आएगा तो वो दैट विल बी समथिंग टू सी ओके जैसे ही कंट्रोलर बी के बाहर होल्ड कर रहे थे उनको पता चल गया था एंड इसी के साथ पोजीशन देखो मैप में पोजीशन देखो
कंट्रोलर का पोजीशन देखो एनिमी मार्क बहुत ज्यादा डॉच किया था लेकिन उसी के साथ डिफ्यूज आते हुए एंड डिफ्यूज हो जाएगा ओह माय गॉड आवाज नहीं आई तो एस्टा के अल्ट के अंदर आवाज नहीं आती है तो एक और राउंड जाते हुए डिफेंडर साइड बहुत ही अच्छा रिटेक आयोन एरीस चेक करते हैं एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो विंडो स्पैम क्यों नहीं कर रहे विंडो स्पैम पे उनको बहुत बंदे मिलेंगे इको राउंड अटैकर साइड इको राउंड है केजी का टैरेट जैसे ही बचेगा वैसे ही पीक आएगा एंड लोगों को एक हेडशॉट देखने को मिलेगा नहीं फॉल बैक कर चुके हैं बी के साइड एग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं स्पाइक ले लिया है लेकिन नहीं स्पाइक जा रहा है ए के साइड शॉट पे जा चुका है स्पाइक एंड ए साइड छोड़ चुके हैं डिफेंडर्स पूरा ए साइड छोड़ चुके हैं हेवन पे एस्ट्रा खेल रही है ब्रीज सिटी खेल रहे हैं स्पाइक प्लांटेड दोनों ही टीम में सेम और इसी के साथ जेट डीप होते हुए बहुत ही अच्छा यूटिल का यूज इसी के साथ 3v4 का सिचुएशन एक शॉट पे बंदा एक लॉन्ग पे बंदा शॉट और गन के डिसएडवांटेज पे कमबैक इज रियल बहुत ही प्यारा बायर और डेरा बताओ कमबैक तो है थोड़ा है पर कमबैक तो है मीनवाइल मैं ऑडियंस को ट्रॉफी दिखा दे रहा हूं क्विकली बिफोर द मैच रिज्यूम्स गाइस दिस इज द ट्रॉफी फॉर एनएचके कप शॉट के साइड पे पुश आते हुए लॉन्ग साइड दो बंदे एंटर कर चुके हैं और फ्लैश आते हुए एक और फ्लैश आएगा लेकिन जेट दूसरे साइड से आके एक हेडशॉट के साथ एस्ट्रा को खत्म करेगी डिफेंडर साइड डिसएडवांटेज दिखते हुए पूरी तरह जेट एस लेते हुए चूक गए एक किल के ऑलमोस्ट हो गया था और इसी के साथ मैच पॉइंट पे आ चुके हैं टीम अटैकर्स जो की है एरावत और डिफेंडर्स को अभी चाहिए और चार राउंड की आवश्यकता क्या 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 चीज चेंज करना चाहिए वेनम आप कुछ बोलते क्यों नहीं आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम कुछ बोलिए क्या चेंज करना चाहिए अनयूजुअल गेम प्ले इन सबको जीत की तरफ ले जा सकती है क्योंकि ओपीएस के लिए स्पाइक डाउन ए आई हैव द स्पाइक मिड साइड से एक पिक मिलते हुए और दो पिक मिलते हुए स्पॉट कर लिया जाएगा एक बंदे को स्पॉट की तरफ रॉन्ग पे ठीक आएगा एक शॉट मिस होते हुए 2v5 का सिचुएशन है एक और राउंड लोग को फॉर्चुनिटी स्पोर्ट की तरफ जाते हुए दिखेगा
एस्ट्रा गराज की तरफ आते हुए जहां पे केजे उसका वेट करते हुए, लेकिन बी पे जाने का डिसीजन ले रहे। लेट्स सी क्या उनको एक पिक मिलता है यहाँ पे। ओपन पे ओपन, ओ माय गॉड, बड़ी बार चलाते हुए रिवीलिंग एरिया और इसी के साथ 20 एचपी पे छोड़ा है सोवा को, लेकिन साइड कंट्रोल मिल चुका है। क्या सोवा पीक करेंगे? सोवा को ये पीक बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन नहीं। एस्ट्रा एस्ट्रा, ओ माय गॉड, 1v2 का सिचुएशन, 1v3 का सिचुएशन, सॉरी। इसी के साथ एक और राउंड एपी की तरफ जाते हैं। मेरे को देखना है ओवर टाइम क्या हो सकता है। मेरे को भी ओवर टाइम देखना है, लेकिन एक चीज, जैकमैन का ऑपरेटर, जैकमैन का ऑपरेटर बहुत प्यारा, बहुत प्यारे दो जैकमैन, और डिफेंडर साइड तो ओडिन आ ही चुका है, तो इसका तो अलग ही, उसके लिए अलग ही प्यार है। फिर अगर अगर तुम हार रहे हो ओडी निकाल लो, गेम एक तरफा हो जाता है फिर तो। लेकिन हाँ, ओडिन के लिए भी एम चाहिए होता है, सब ओडिन नहीं चला पाते। दो बंदे लॉन्ग की तरफ पूरा एकदम जंप करवा के सोवा को एकदम उसके आफ्टर शॉक पे डाल दिया। बहुत ही प्यारा था वो। अल्टीमेट आ चुका है, केजे का फ्लैंक, केजे का फ्लैंक, केजे राज के बाद होल्ड कर रहे हैं। ओके, निकाल लिया है थोड़ा सा गलत हो गया, बोर्ड पर गलत हो गया। One enemy remaining. और 1v4 का सिचुएशन, क्या ये क्लच, क्या ये क्लच आएगा क्या? ओ, इसी के साथ राजा टूकुल गेम खत्म करते हुए, डिनाई करते हुए टीम FE को। बहुत ही प्यारा मैच, बहुत ही प्यारा, बहुत क्लोज आ गए थे कमबैक के, बट कुछ कर नहीं सकते। वन टीम टू विन, वन टीम हैव टू लूज। आपके विचार सुनना चाहेंगे जेरोन भैया, मोनिक एंड निक्स भैया। फॉर्चुनी स्पोर्ट ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया लास्ट में, मुझे लग रहा था कि आज तो ओवर टाइम होके ही रहेगा, थोड़ा सा ओवर टाइम होके रहेगा। हाँ, जो चैट ने कुछ कुछ जलवे दिखाए, एक मैच और टीम। Hello, congratulations, Sir Rawat. Hello, am I audible, guys? Yeah. Congratulations to Airawat. And lots and lots of condolences to फॉर्चुन स्पोर्ट्स। हमको लग रहा था कि आज तो कमबैक होके रहेगा, थोड़ा सा फॉर्म में आ गए थे हम लोग। हां, इट वाज क्लोज, तो इट वाज क्लोज। सो फॉर्चुन स्पोर्ट्स, क्या लग रहा है आपको, क्या चीज काम नहीं किया आज? वी आर लाइक नॉट गुड एट लाइक अटैकिंग मोस्टली, वी आर लाइक गिविंग आउट टू मेनी पिक्स एट लाइक एग्जीक्यूट्स लाइक वन और टू व्हेन वी सपोज टू ट्रेड ईच अदर। ओके, and what do you think which worked out for Airawat? Yeah, mostly the breach, breach else. Okay, sorry, this question, sorry. Mm-hmm.
Their breach health was really good, like sites. Okay. So how like, did you like? How was your you guys prepared? Like you know this map really well, or it's not much practiced, or how was it? We played like 2 scrims on this map. Nice. So cool. So Airavata, what are your opinion about what went well and what Fortune Esports could do better? We were just basically our defensive side was good, but like in attack, our side controls were good. But then we were just throwing when it was coming to playing the post plant. They were just basically reconning towards the A or C side. They were just throwing in a recon and rushing out of the choke point. So we basically had to hold them on the choke point, which we did in the last 2 rounds. And in the last round, I basically knew that they were going to Killjoy, so I just called my team to rotate, and our Killjoy had a good luck like from the C side. So yeah, that's what we did basically. Yeah, yeah. Slowly we thought that, you know, it will be over time, but you again got the control over the, you know, your gameplay things, you change things, and it worked out in your favor. Yep. Great. Also, I am not turning on my camera though. Let me quickly turn on my camera and show you guys the trophy. I'm not sure you already did, but the trophy is here. Not yet sure who's gonna claim this in the finals, but yeah, it's going to be beside me every day in the matches. So yeah, we have our semi-finalists ready, and next is going to be the round and round robin rounds. So all 3 teams will play with each other, and if there is any case of decision, I mean the tie, then the rounds you win from in each match will be also considered. So I mean, you should also target to wrap up the match as early as possible in all the next matches. So yeah, all the best with the next matches, and a lot of condolences to Team Fortune Esports, and all the best for the next one. We'll see you next time. Yeah. Okay, thank you. Bye bye. Okay, thanks everyone. Bye bye. GG. Bye bye. Bye.